नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 के बीच खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक मैच में पाकिस्तान ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 183 रन जैसा बड़ा स्कोर खड़ा किया है। आज एक बार फिर से उसके बल्लेबाजों ने वर्ल्ड 11 के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। अहमद शहजाद ने शानदार 89 रन की पारी खेली, वहीं बाबर आजम इस मैच में भी 48 रन की पारी खेलकर पूरे टूर्नामेंट में 50 के आसपास का स्कोर बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले बन गए। शोएब मलिक एक बार फिर से इस मैच में आउट नहीं हुए और अंत में 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान का स्कोर 183 तक पहुंचा गए। अब देखना यह होगा कि वर्ल्ड 11 के बल्लेबाज क्या स्कोर को पार कर पाएंगे या फिर पाकिस्तान के गेंदबाज इसको डिफेंड करके पाकिस्तान को श्रृंखला को 2-1 से जिता देंगे।